SC ST के लिए NCERT ने नीलिट के सहयोग से कुपवाड़ा के SC ST छात्रों के लिए एक पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को नाइलेट ओ लेवर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पाठ्यक्रम प्रदान करना है। इस अवसर पर शाहबाद चौधरी उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी फैयाज अहमद मलिक प्रधान तकनीकी अधिकारी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और आदिवासी छात्रों के साथ बातचीत की और छात्रों के बीच मुफ्त किताबें वितरित की और मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए शाहबाज चौधरी ने कहा कि हम आदिवासी छात्रों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में अच्छे बने और आदिवासी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया। सुधार आने की गुंजाइश दिख रही है, मैं कुछ चीजें आपसे और मैं यहाँ PWAJ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हूँ। चूँकि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे खास ऑफिसरान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। यहाँ पे तशरीफ ला के दिस कोर्स इज टोटली फ्री। टुडे आई एम डिलीवर माय प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर। सो द कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट ऑफ सेनेस। चाइना में रह के मैंने वहां से सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को खींच के लाया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स। पूरे 1.5 साल में कुपवाड़ा में घूमता रहा, मछिल टंगदार में स्मार्ट क्लासरूम बनाए, 170 स्मार्ट क्लासरूम्स यहां के स्कूलों में है। दिखाता है एक तो ऊपर अल्लाह ताला है। 5 साल लगाए हैं सर्च की है कि क्या रीजन है कि हमारा बच्चा जो आगे नहीं आ पा रहा। कई रीजन रहते हैं, कई बच्चे जो कहते हैं कि हमारी एजुकेशन उस लेवल तक नहीं हुई है, हमने 8 के बाद हमने 10th के बाद अपनी क्वालिफिकेशन बंद हो गए क्योंकि फैमिली रीजंस रहते हैं। बट कुछ बच्चे हैं जो 12th पास है बट उनके पास वो डिग्री वो डिप्लोमा नहीं है, वो मार्क्स नहीं है कि जिसकी वजह से वो हमारे कोर्स शुरुआत वो कहते हैं कि छोटे छोटे से ही होती है। अभी हमारे को 75 कैंडिडेट्स मिले हैं, आने वाले साल में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हम वादी कश्मीर का शुक्रगुजार हैं ऑन द बिहाफ ऑफ DGE NCERT फॉर SC ST जम्मू। आज जो हम यहाँ कश्मीर में आए हैं, यहाँ पे जो हमारे SC और ST कैटेगरी के तबके के बच्चे हैं, हमने उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है जिसमें बच्चों की किताबें फ्री हैं, उनकी ट्यूशन फीस फ्री है और उनको महीने का जो है कि 1000 रुपया स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ नाइलेट कश्मीर का भी, जिन्होंने जिनके सहयोग से जो है कि हम जो NCERT ऑफिस जो है कि यहाँ पे अपना सेंटर ओपन कर सका है। यहाँ पे हमारे जो 4 सेंटर चल रहे हैं काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, जिनका नतीजा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे आने वाले टाइम पे हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ जो है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट और आने वाले समय में जो है कि और भी जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, एडमिशन लेंगे और जो है कि हम अब अपने स्टेट का साथ साथ जो है कि कश्मीर के साथ साथ जो है कि हमारे ऑफिस का भी जो है नाम रोशन करें। जो अभी एक कोर्सेज चला रहे हैं अभी तो कंप्यूटर ओ लेवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टेनोग्राफी कंप्यूटर टाइपिंग का करवा रहे हैं। अभी जो आने वाले टाइम पे जो है कुछ समय में जो है कि जो 8th, 9th, 10th, 12th के जो बच्चे हैं जो तालीम नहीं कर पाए हैं जहाँ जिनको किसी तरह से मौका नहीं मिल पाया है, तो मैं अपने ऑफिस में बात हम करेंगे, हेडक्वार्टर में बात करेंगे और उनके लिए जल्दी कुछ हम नए कोर्सेज शुरू करेंगे। हम हैं, ये पहली बार कश्मीर प्रोविंस में शुरू हुआ है, इससे पहले जम्मू में हुआ करता था। तो काफी इंसिस्ट हमारे जो डायरेक्टर जनरल नाइलिट हैं MM त्रिपाठी साहब, उनकी वसालत से उन्होंने काफी कोशिशें इसमें की हैं कि ये प्रोग्राम कश्मीर प्रोविंस में भी आए और लद्दाख और करगिल के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में हमने गुजारिश की है कि इस बार हमें 75 इनटेक मिला हुआ है ओ लेवल हार्डवेयर एंड ओ लेवल सॉफ्टवेयर के अंदर, और हम चाहते हैं कि अगले साल 150 सीटें मिनिमम हमें मिल जाएं ताकि हम न ओनली कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ST बच्चों को SC बच्चों को कवर कर सकें। वी विल बी टेकिंग अप दिस कोर्स ओवर टू गुरेज ऑल्सो, हम गुरेज के भी बच्चों को भी कवर करना चाहते हैं।